स्टूडेंट इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश. टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिट 7 लेसन फर्स्ट अ काइट. स्टूडेंट आज हम अ काइट जो हमारी पोयम है उसको रीड करेंगे एंड एंजॉय करेंगे. आप सभी ने काइट देखी भी होगी और उड़ाई भी होगी और खरीदी भी होगी. तो अभी जो 14 जनवरी निकली मकर संक्रांति तो आप सब ने परचेस की होगी पतंग को काइट को और खूब सारी उड़ाई भी होगी. तो हम आज इस पोयम में यही पढ़ेंगे कि इस पोयम में एक बॉय है जो बॉय बैठा बैठा सोचता है कि वो क्या बन जाए, काइट बन जाए और फिर आसमान में उड़े और उसका जिधर इच्छा हो वो उधर जाए. तो हम चलो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट लर्न एंड एंजॉय दिस पोयम. हम इस पोयम को लर्न भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे. आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. Student जो boy होता है वो सोचता है. I that means होता है मैं. वो boy सोचता है कि मैं often that means होता है अक्सर. वो अक्सर बैठ sit that means होता है बैठना. वो अक्सर बैठकर यह सोचता रहता है कि मेरी एक इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊँ, kite बन जाऊँ. जो kite आपको दिख रही ना तो बालक यह सोचता है, वो boy सोचता है कि वो एक kite बन जाए और क्या करे in the sky, वो fly हो स्काई में आकाश में उड़े. एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो. वो चाहता है कि वो हवा के साथ साथ बहे. जो धीमी धीमी मंद मंद हवा चलती है वो उसके साथ साथ बहे और जिधर हवा जाए वो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाए. क्योंकि पतंग जिस तरह उड़ती है, हवा जिस तरह चलती है, पतंग भी उसी के अनुसार उड़ने लग जाती है. तो आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अप ऑन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. तो वही सोचता है कि वो बैठे बैठे सोचता है कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊँ, काइट बन जाऊँ और जिधर जिधर हवा जाए मैं भी उधर उधर चला जाऊँ ताकि मुझे पैदल नहीं चलना पड़े और आराम से इधर उधर घूमूँ जिस तरह पतंग घूमती है. तो ये देखो आपको ये बॉयज यहाँ लेटे लेटे सोच रहा है कि वो क्या बन जाए, ऐसी प्यारी सी काइट बन जाए और क्या करे, आकाश में उड़ता रहे. तो स्टूडेंट हमने जो काइट लेसन पढ़ा है उसके कुछ न्यू वर्ड्स हम सीखेंगे. फर्स्ट पोल है हमारा ब्लो. ब्लो दैट मींस होता है बहना. जो हवा बहती है ना उसको बोलते हैं ब्लो. ब्लो दैट मींस बहना. ब्रीज, ब्रीज दैट मींस मंद मंद हवा. जो धीमी धीमी हवा चलती है जब हम पतंग उड़ाते हैं तब तो उसको बोलते हैं ब्रीज. ब्रीज दैट मींस हवा. चांस्ड, चांस मीन होता है, चांस मीन्स अवसर. काइट, काइट दैट मीन्स पतंग. सीट, सीट दैट मीन्स बैठना. स्टूडेंट अभी हमने पोयम अ काइट पढ़ ली है, समझ भी लिए. अब जो आपने जो अपनी नोट कॉपी बनाई है उसके आगे हमको इसकी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो वर्ड मीनिंग यूनिट 7 लेसन फर्स्ट अ काइट. तो हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे. तो ये आपको लर्न भी करना है और अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन भी करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड. प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग. ऑफन, ऑफन दैट मीन्स होता है अक्सर. ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ऑफन अक्सर. विश, डब्ल्यू आई एस एच, विश दैट मीन्स इच्छा. कोई भी हम इच्छा रखते हैं, कोई विश मांगते हैं तो उसको हम बोलते हैं इच्छा या विश. और स्पेलिंग होती है डब्ल्यू आई एस एच, विश दैट मीन्स इच्छा. नेक्स्ट वर्ड राइड, आर आई डी ई, राइड दैट मीन्स सवारी. नेक्स्ट ब्रीज, बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज दैट मीन्स धीमी हवा. जो मंद मंद या धीमी धीमी हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रीज. बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज धीमी हवा. ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो मीन्स धक्का या बहना. जो हवा बहती है या चलती है तो उसको बोलते हैं ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो बहना. चांस, सी एच ए एन सी ई, चांस दैट मीन्स अवसर. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं. नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स. स्टूडेंट नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं. तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमको वहाँ पर सेंटेंस में फिल करना है और हाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन फ्लाई अ काइट. तो यहाँ पर हमें सेंटेंस जो है वो आपकी बुक में दिया होगा कि आई कैन ब्लैंक अ काइट. आई कैन अ
काइट, तो वो क्या उड़ा सकता था, वो पूछ रहा है कि वो क्या कर सकता था काइट के साथ। तो ऑप्शन है फ्लाई, ईट। तो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ईट, ईट दैट मीन्स होता है खाना, और फ्लाई दैट मीन्स होता है उड़ाना। तो आई, आई दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ काइट के साथ, फ्लाई कर सकता हूँ कि उसको खा सकता हूँ, तो मैं उसको फ्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ फील करूँगी फ्लाई, आई कैन फ्लाई अ काइट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। या नेक्स्ट सेंटेंस, द मून ब्लैंक इन द नाइट, द मून ब्लैंक इन द नाइट। ऑप्शन है राइट एंड शाइन। तो हम यहाँ पर क्या फील करेंगे, मून क्या होता है नाइट में, शाइन करता है कि सही होता है, तो मून शाइन करता है, शाइन दैट मीन्स चमकना, तो हम यहाँ पर शाइन वर्ड फील करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा द मून शाइन इन द नाइट, मून रात में चमकता है। नाउ अ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर थ्री, द ब्लैंक इज डार्क, द ब्लैंक इज डार्क। डार्क क्या होता है, फ्लाई या क्लाउड, फ्लाई उड़ना, क्लाउड बादल, तो यहाँ पर हम क्लाउड फील करेंगे क्योंकि बादल जो होते हैं वो डार्क होते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द क्लाउड इज डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर मिलियन ब्लैंक इन द स्काई, देयर आर मिलियन इन द स्काई, स्काई आकाश में मिलियन क्या होते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास स्टार एंड मून, तो मून तो आकाश में एक ही होता है, वन होता है, और मिलियन तो स्टार होते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड फील करेंगे, स्टार, तो हमने यहाँ फील किया स्टार, और अब हमारा सेंटेंस बना देयर आर मिलियन स्टार इन द स्काई, आकाश में मिलियन तारे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रेनबो हैज ब्लैंक कलर्स, रेनबो हैज ब्लैंक कलर, रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो रेनबो में सेवन कलर होते हैं, तो हम यहाँ पर सेवन और सिक्स दोनों ऑप्शन है, तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन फील करेंगे सेवन। आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किया, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर भी हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, चाइल्ड की क्या इच्छा थी, तो आंसर द चाइल्ड विशेस्ट टू बी अ काइट, चाइल्ड की इच्छा थी कि वो पतंग बने। क्वेश्चन नंबर टू, What does the child wish to do with the bees? What does the child wish to do with the bees? बालक क्या चाहता था, उसकी क्या इच्छा थी कि वो हवा के साथ क्या हो, तो आंसर है द चाइल्ड विश्ड टू राइड अप द ब्रीज एंड गो, उसकी इच्छा थी कि वो हवा के साथ साथ बहे और वो जिधर हवा जाए उधर ही वो जाए। तो स्टूडेंट हमारा जो यूनिट सेवन का लेसन फर्स्ट था काइट, वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको अपनी नोट कॉपी में अच्छी गुड हैंड राइटिंग में राइट डाउन कर लेना और इसको लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।